मुरादाबाद कड़कड़ थाना क्षेत्र में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक बिजली के ऐसा हाई टेंशन बिजली लाइन के खंभे पर चढ़ा नजर आया। लगभग 200 फीट ऊंचे हाई टेंशन लाइन के खंभे पर युवक को चढ़े हुए 10 घंटे से ज्यादा समय हो गया, जिसको नीचे उतारने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन युवक बार बार कभी नीचे उतर रहा है तो एकदम ऊपर चढ़ जाता है। इलाके में चर्चा है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया है। पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते कड़कड़ थाना क्षेत्र के बलदेवपुरी के रहने वाला सागर बिजली के एक्स्ट्रा हाई टेंशन बिजली लाइन के खंभे पर चढ़ गया। सुबह करीब 9 बजे जब सागर बिजली के खंभे पर चढ़ रहा था तो लोग ये नहीं समझ पाए कि खंभे पर चढ़ने वाला युवक बिजली विभाग से है या कोई आम आदमी, लेकिन 2 घंटे बाद जब वह नीचे नहीं उतरा और खंभे की चोटी पर चढ़ गया तब लोगों ने युवक के बारे में जानकारी की तो पता चला कि इसका नाम सागर है। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सागर से बात करनी चाही तो युवक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। पुलिस ने एहतियातन के तौर पर लाइन को बंद करवा दिया गया। मौके पर बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के समझाने पर एक बार युवक नीचे आया, लेकिन जैसे ही पुलिस खंभे के नीचे पहुंची वे फिर से ऊपर चढ़ गया। एक बार सागर पानी लेने के लिए नीचे आया और अपने पिता से पानी की बोतल लेकर फिर से ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बताया, लेकिन आपस में चर्चा चल रही थी। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर सागर नाराज हो गया और ये कदम उठाया। लगभग 2-2.5 घंटा हो गया है। एक 22-24 साल का एक लड़का है, युवा है, तो कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि इस तरह से खंभे पर चढ़ा हुआ है। वो तो तत्काल यहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर साहब, हमारी फायर सर्विस की टीम, हमारे FSO साहब यहाँ पर पहुँचे और उसको मैसेज दिया गया, बताया गया, आवाज़ मैसेज दिया गया कि आप नीचे उतर जाएँ, लोगों के माध्यम से कहलवाया गया। लेकिन जैसे हमारी पुलिस को देखता है, वर्दी वालों को देखता है तो थोड़ा हेजिटेट सा हो जाता है, तो उसको फिर यहाँ के लोकल जो लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति, उनके द्वारा भी मैसेज उसको दिलवाया गया, तो समझाया जा रहा है, उतारने का प्रयास किया जा रहा है। पता चला व्यक्ति यहीं का ही है जहाँ काम रहा है, इसके आसपास। हाँ, सुनने में आया कि ये लोकल इसी मोहल्ले का आसपास का रहने वाला है। परिजनों से बातचीत हुई कि क्या वजह रही है, किस तरीके का व्यक्ति इसी ऊपर चढ़ना पड़ा है, इसके बारे में हमारी जो लोकल पुलिस में CFO हैं, अग्निशमन मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लोकल पुलिस अपना जानकारी जुटा रही थी। सुनने में आया कि पहले भी शायद इस तरीके से उसने पुनरावृत्ति किया है पहले। क्या इसकी दिमागी हालत ऐसी है जो ऐसे काम करता है? ऐसी संभावना की जा सकती है। अग्निशमन विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसके बाद? देखो, ऐसा होता है कि जैसे इस तरह की सिचुएशन है, उसमें कोई ऐसा कुछ टेक्निक ऐसा नहीं है तो समझा करके उतारा जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ पर ऐसा प्लेटफार्म नहीं है, कोई खड़ी होने की जगह नहीं है, और अगर आदमी अपने सुसाइड पे आ जाए तो उसको रिलेट करना मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा नहीं होगा। समझा जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, तो संभवतः कुछ टाइम में वो जैसे थक जाएगा तो शायद उसको आसानी से नीचे लाने में। अग्निशमन विभाग के अलावा और कौन कौन सी हैं? अग्निशमन विभाग के अलावा हमारी लोकल पुलिस है, इंस्पेक्टर साहब हैं, और इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन के लोग। ये कौन सी लाइन आपने पता किया होगा, कितना पावर का लाइन? ये 2,20,000 की वोल्टेज की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। जब ये ऊपर चढ़ा हुआ है तो लाइनें तो बंद करवा दी गई होंगी लाइन? हाँ, हमारे जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के अधिकारी SDO साहब हैं, उन्होंने लाइन को बंद करवाया हुआ है।